नहीं, जब मेरे इतने इतने बाल थे तो तब उस वक्त वो कोई खाला की जान फलाना फलाना यार वो ना पुत्र चस नहीं आई ने तू तो जो कर मैं दो मिलो तुम दो कमें मिल सक तुम दो मेरे बच्चे लग दो। अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। यार मैंने एक दो दिन पहले अपनी कटिंग की वीडियो लगाई थी, बाल कटवाए थे मैंने काफी अरसे के बाद, कम से कम 2.5 साल बाद कटवाए थे। तो यार मैंने ये कहा था कि यार इसकी वीडियो तो अपलोड करेंगे बट इसके जो रिएक्शन आएंगे हम उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग तो खुश होते हैं और बहुत से लोग को यार बुरा भी लगता है यार कि क्योंकि वो देख रहे होते हैं एक बंदे को रोज के, तो एकदम से अगला बंदा चेंज हो जाए तो यार उसको थोड़ा बहुत बुरा लगता है। तो खैर यार जिसको बुरा लगे कोई मसला नहीं है, अपनी खेत 2-2.5 महीने के बाद वापसी आ जानी। अच्छा, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और पैरा से कमेंट कर देना। तो करते हैं स्टार्ट। चलो। सबसे पहले चलते हैं जी यूट्यूब के ऊपर मुझे थोड़े सी आए हैं, 20-25 ही हैं। पहले स्टार्ट करते हैं यूट्यूब वाला। सबसे पहले आ गया जी वो, ये मेरी आंटी लगती हैं। आंटी जान अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह गुड लुकिंग खाला की जान। नहीं, जब मेरे इतने इतने बाल थे तो तब उस वक्त कोई खाला की जान फलाना फलाना यार उस वक्त ये यार गलत बात है यार, दिल से बुरा लगता है। बाकी यार नो हेट वाला सीन है, हमको सिखा दिया है। अरे यार एंजॉय करो जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी, आईसीयू में थोड़ी आए हुए कि भाई साहब सीरियस होके गुजारनी है, तो चिल करो एंजॉय करो। इसके बाद आ गया जी एंड गेमिंग, माशाल्लाह भाई अच्छी है कटिंग, थैंक यू ब्रो, लव यू ब्रो। ये एंड गेमिंग हमारे काफी पुराने सब्सक्राइबर, उसकी वजह ये कि ये हमारे साथ पहले रूम खेला करते थे जब मैं रूम कराया करता था। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी रूम दोबारा अरेंज करवाएं ताकि लड़के दोबारा इकट्ठे हो सकें। इसके बाद है जी शेरी खान का कमेंट है, चस आई है ना पुत्र चस नहीं आई ने तू तो जो कर मैं दो मिलो तुम दो कमें मिल सक तुम दो मेरे बच्चे लग दो। यार शेरी खान थैंक यू यार। इसके बाद मरखोल लाला, माशाल्लाह अभी बहुत प्यारे लग रहे हो। हां भाई हम पहले भी प्यारे लग रहे थे यार, अगर आप हमारी निगाह से हमको देखें हम आपको हर नजर से प्यारे ही लगेंगे। मतलब यार प्यारा लग रहा हूँ सच में? नहीं माशाल्लाह। अलीजा खान अल्हम्दुलिल्लाह, आगे से रोने वाला इमोजी, नीस पे रोने वाली कोई बात, ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह किस चीज के लिए यार, मुझे कुछ समझ नहीं आती यार, बता देना मुझे। इसके बाद है जी फरहान, अब कुरी मुंडा बन गया है। नहीं मैं कहाँ से लड़की लगता था यार, मुझे ये बताओ, बाल मेरे अब नेचुरल स्टेट है, मैं उनको रोज थोड़ी स्ट्रेट कर दूँ, रोज सुबह मैं उनके ऊपर इस्त्री थोड़ी मारता हूँ, नेचुरल स्टेट है मैं क्या कर सकता हूँ यार, उसमें लड़की लगता हूँ लड़का लगता हूँ, मेरी गलती थोड़ी यार। अपनी तरफ से यार मुझे अपने बाल पसंद थे इस वजह से मैंने रखे हुए थे, तो यार तू बोलते हैं ना थोड़े बहुत चेंजिंग आनी चाहिए। इसके बाद है जी अलीजा खान, भाईजान अपने दो दोस्तों के बाल भी कटवा देते यार, उन दोनों का मसला ये, एक को छोड़ के गई हुई है लड़की, दूसरे को छोड़ के गई हुई है लड़की, आधी आधी छोड़ के गई है, तो एक का ब्रेकअप हुआ है उस वजह से वो बाल नहीं कटवा रहा, और दूसरा अपनी जिद के ऊपर है जी मैंने बाल नहीं कटवाने तो ये तो वो तो फलाना क्या कह सकते हैं हम। हमने कहा था जब हम बाल कटवाने गए हुए थे, शायद मैंने उस वीडियो के अंदर भी कहा था कि यार साथ मेरे बाल कटवा लो, खैर तीनों चिकने हो जाएंगे, बट नहीं यार वो बोलते हैं अभी हमारा थोड़ा सा टाइम है, थोड़े अरसे के बाद रखेंगे, थोड़े अरसे के बाद कटवाएंगे। इसके बाद आगे जी अब्दुल हसीब बीएल ब्लैक की नाम से हमारे ये पहचाने जाते हैं, गुड लुकिंग, थैंक यू यार, आई लव योर इंग्लिश एक्सेंट, वो क्या बोलते होते हैं यार, मुझे बुरी भी इंग्लिश मुझे नहीं आती। इसके बाद स्टार्क साहब, अफसोस हुआ बहुत। है रे यार स्टार्क साहब, साहब कोई मसला नहीं है, अपनी खेत है अपनी वो है, 2 महीने ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने के बाद मेरे बाल बराबर हो जाने, इसकी वजह ये मेरे बालों की ग्रोथ थोड़ी सी तेज होती है, इसलिए नो मसला। इसके बाद आ गए जी मोहम्मद साकिब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार हम कल्ला। उस्मान जैनुल अब्दीन, खतरे भी फरवा देते, तू मेरा पुत्र कराची तो मुड़ के आना, तेरे का मैं दसना में तेरे नाल कर सके, तू मुड़ के आए एक बारी। इसके बाद पीडब्ल्यू पपी, हुण इंसान लगदे हो ना ते के सी पहले डंगर लगने आए हैं, ओ यरा किड़ी जी तो डंगर लगना मत, ये दसो यरा जवान थोड़ी बहुत चेंज करने लग जाए, तो उसकी वजह ये जो अपने अपने मैं उनको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि ये काफी पुराने कमेंटर भी हैं, लाइक ये कमेंट करते रहते हैं, इस वजह से यार इनके साथ थोड़ी अपनी जुबान बोलनी पड़ती है, उर्दू बोलो तो यार ये बोलते ये वो फलाना यूट्यूबर फलाना, क्या हो गया जुबैर साहब। इसके बाद कुछ ही कट करवाते और हैंडसम लगते, नहीं तो अभी मैं हैंडसम नहीं लग रहा, हाँ अभी हैंडसम नहीं लग रहा क्या, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह। बात कौन है जी स्टॉक साहब, नाइस लोग ही हमारे यूनिवर्सिटी के लौंडे हैं, लौंडे मतलब वो समझा कर ना, अब जिस सेंस में कह रहा हूँ उसके सेंस में समझ जाओ, थैंक यू यार ब्रो, लव यू हो गया। पार्क विलेज बर्ड्स, यार मैंने तुम्हें बुर्का पहना के बैक साइड से वीडियो बनानी थी भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया थी, कटवाने से पहले बता तो देते, मतलब कुछ भी, ये दिन भी आ गए यार, नहीं मतलब क्या, इसका मतलब मैं क्या समझू यार, मुझे ये बताओ। साथ यार मैंने कटवाने से शायद एक दो तो नहीं दिन के टाइम में शायद आपके साथ ही था, तो आपको मैंने 2 बार कहा भी था कि यार आज यकल लगी यार,
आज या कल में मैंने बाल कटवा दे देने, तो हमने कटवा दिए। खैर यार कुछ अरसे बाद फिर आ जाएंगे, फिर अपने वो क्या बोलते थे दिल के अरमान पूरे कर लेना, हम भी इधर आप भी इधर। इसके बाद है जी नॉट जेफी, है नॉट जेफी मतलब मैं आपको फिर बोलूँ नॉट कजन। आए सोना लगदा मशूक डोला, इतना सही है ही, इतना सच है, कम से कम मुझसे 5-6 साल छोटा होएगा, ज़्यादा छोटा होएगा। और बातें इसकी चेक करो, आए सोना मशूक डोला पढ़ना दी उम्र थी, पढ़ यार कितना कमाल लगे था आप। इसके बाद मोहम्मद साकिब अभी भी बड़े हैं यार, इतने बड़े तो नहीं है अभी भी, देखो ये चेक करो, ये थोड़े से ही हैं अभी। आप साफ ही तो नहीं हटा सकते यार, वो फिर साफ बंदा वो क्या कहते होते हैं गंजा लगने लग जाता, तो यार एकदम से इतने ठीक है। ये कि आगे रमजान आने वाला है, उसकी वजह ये रमजान तक मेरे बाल सेट हो जाने हैं। इसके बाद कौन है जी मैडी पबजी, मैं सियांता नहीं ने जी यारा जी है रे सियांट पे, उसको असल में ना काफ़ी अरसे बाद माँ लग गए, जिस टाइम तुसने माँ देखा है उस टाइम मेरे बाल आए, इस शायद मैं बहु अरसे बाद बाले बालों ने हटे फर आई है ताक तुसा का जी लगता है तो सियांट ना, क्यों खैर है थोड़ा टाइम रखी सियाण जो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। यार वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा कॉमेंट करते जाना, लाइक करते जाना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। हमारे 2000 सब्सक्राइबर भी पूरे होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी कोशिश करो हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। और यार मुझे थोड़ी सजेशन दो यार, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग करनी तो नहीं है, पहले भी करता रहा बट वो वीडियोस प्राइवेट की हुई वो दूसरे चैनल पे थी, तो अब ये यार मेरा जहन बन रहा है क्योंकि दो चैनल एक साथ चलाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये कि गेमिंग भी इसी चैनल पर करेंगे और व्लॉगिंग भी, और बाकी सारी जो वो है ना एक्स्ट्रा मटीरियल काम वो सारे हम इस चैनल के ऊपर ही करेंगे। यार एक चैनल को तो कम से कम एक्टिव रखें, हमारा एक चैनल भी एक्टिव नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।